यूके से कर रहे हैं सर, सर फर्स्ट कस्टमर रेस्टोरेंट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या कहते हैं जानना चाहिए कि रेस्टोरेंट नंबर होते क्या है, ठीक है। यस सर, रेस्टोरेंट नंबर क्या होते हैं सभी डिफाइन कीजिए। यस सर, रेशनल नंबर को डिफाइन कीजिए। सर जो फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की, सर जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी रेशनल किसी भी सिंपल इक्वेशन को सर सॉल्व करने की। बस हमको जानना है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और क्यों सर क्या वो नंबर जो पी एम क्यू के फॉर्म में रिटर्न किए जा सके हैं, हम उनको क्या कहते हैं रेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर वेरिएबल्स इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं। पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड आल्सो P and Q are integers. अब आता है क्या कहते हैं, अब आता है कि क्या कहते हैं, जब जैसे कि हमने P by Q लिखा तो P and Q integers हैं, तो हमको क्या होना चाहिए integers के बारे में आना चाहिए। तो integers किसे बोलते हैं, to be by चार ही respond करना, to be इंटीजर्स क्या होते हैं सभी, आर द नेगेटिव नंबर्स, वाइस जानिए ना सभी। यस सर, आर नेगेटिव नंबर्स आल्सो क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडेड जीरो, आर नंबर सर का इंटीजर्स। वाइस जानिए आपको नंबर लाइन बताई गई थी। यस सर, आप लोगों को नंबर लाइन बताई गई थी। ये ऐसे नंबर लाइन बना की गई थी, आपकी वेरिएबल क्या था आपका जीरो, इधर प्लस वन प्लस टू थ्री फोर फाइव, इधर आपका था माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री तो आपका क्या कहते हैं सर, दो चीजें हो गई, एक तो रेस्टोरेंट नंबर्स हो गए, दूसरा हो गया आपका क्या कहते हैं
इंटीजर्स। इंटीजर्स इसी के साथ साथ हम लोगों ने डिवाइड किया था इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है? क्या इवन और ऑड? यस सर, हमने डिवाइड किया था ना इवन ऑड और नेचुरल और होल नंबर। तो ये सिक्स डिफरेंस आप लोग को रोटेशन में हो सकता है पूछा रहेगा, ठीक है? यस सर। फिर आता है नेक्स्ट, रेशनल नंबर आर पोस्ट अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आता है फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी होती है हमारी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है? तो हमको क्या कहते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज कैसे मिलती हैं, क्या होता है ये भी जानना है। अब हम लोगों ने आपको एक फ्रैक्शन का क्या कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आए डिवीजन आप लोग को रिवाइज करा था, ये तो डन होगा, ठीक है? यस सर। अब आता है कि क्लोज होता कब है, हम क्या कहते हैं हम क्लोज होता कब, हम क्या कहते हैं कि ये क्लोज है सर, जब सर जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे किसी भी होल नंबर का एडिशन होल नंबर को होल नंबर से जोड़ेंगे, अगर उसका आंसर होल नंबर आएगा तो सर वो क्लोज होगा। अगर होल नंबर नहीं आ रहा है जोड़ने पे तो हम क्या कहेंगे एडिशन इज नॉट क्या कहते हैं क्लोज अंडर होल नंबर नंबर्स। सेम ऐसे हमारा नेचुरल नंबर के साथ हो जाएगा, सेम हमारा रेशनल नंबर के साथ हो जाएगा और हमारे इंटीजर के साथ। आप लोगों ने होल नंबर नेचुरल नंबर और इंटीजर्स क्लास 6 और 7 में कर लिया था क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका 7th में क्या है रेशनल नंबर का, ठीक है? यस सर। तो हमको क्या कहते हैं सेम प्रोसेस करेंगे, एक रेशनल नंबर लेंगे रेशनल नंबर से रेशनल नंबर ऐड करेंगे, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करेंगे। यस सर। तो हमें क्या मिलेगा रेशनल मिलेगा सर, अगर ऐड 1/2 वी गेट 1/1 या 1, ठीक है? तो हम लोगों ने जब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड किया तो हमें कौन सा नंबर मिला रेशनल नंबर, रेशनल। तो एडिशन इज क्लोज रेशनल अंडर एडिशन रेशनल। कैसे भी कुछ कह रहा है? नो सर। क्लियर है, आगे चलें? नो सर। नेक्स्ट आपका प्रश्न, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के साथ क्या था सर? इसमें भी सर सेम था सर, होल नंबर को होल नंबर से जोड़ेंगे, अगर आंसर होल आएगा तो सर वो कम्युनिकेटिव होगा एडिशन में। कम्यूटेटिव के लिए सर भी क्या था? कम्यूटेटिव के लिए क्या था? अगर हमारा a प्लस b है इट मींस b प्लस a भी इक्वल होना चाहिए, ये हमारा कम्यूटेटिव है। जो हमने आपके पास नोट्स दिया उसमें दिया गया है क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट, द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर। तो a प्लस b इक्वल b प्लस a होगा बट a माइनस b इक्वल b माइनस a नहीं होगा, तो क्या कहेंगे ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर सर? फिर यस सर। सेम a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a, ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? b हमारा क्या कम्यूटेटिव हो गया। लास्ट आपका है a डिवाइड b इक्वल b डिवाइड a, हम जब ये करते हैं तो क्या कहते हैं ये दोनों इक्वल नहीं मिलते, तो हम क्या कहते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं होते, नहीं है सर डिवीजन, ठीक है? यहाँ पे सभी a और b क्या है हमारे स्टेट के लिए? यस सर।
ए एंड बी क्या है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल है, वेरिएबल में कौन से वेरिएबल है सर? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हम जिस चैप्टर पर है, हमारा चैप्टर है क्या है चैप्टर? रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी हमारा रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है। सभी यस सर। अब आता है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी टू बी फिर आता है रेशनल नंबर जीरो इज इंडिकेटिव आइडेंटिफायर रेशनल नंबर। अब हम आपको दो आइडेंटिटी बताए थे, एक था इंडिकेटिव, दूसरा क्या था सभी? मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इंडिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर हम जीरो को किसी नंबर में जोड़ रहे हैं, सेम नंबर मिल जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा क्या है, इंडिकेटिव आइडेंटिटी। सेम हम वो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें वही नंबर मिलता है, तो हम बोलते हैं वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यस सर। अब आगे है द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए एंड बी इज ए एंड बी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब क्या है एडिटिव, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ए प्लस बी का हो जाएगा माइनस ए प्लस ए बाई बी। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज वन। इट मींस सर ये जो फिफ्थ पॉइंट है सर, ये कौन सा, इसमें क्या है सर? ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इट मींस a by b है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, और अगर a माइनस बी है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इट मींस ये वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, सिक्स है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a by b इज c by d इफ a by b मल्टीप्लाई c by d इक्वल d। कह रहा है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो तभी होगा जब वो हमें वन दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ लिया क्या है, अगर मान लीजिए हमारा ए एंड बी एक नंबर था, ठीक है, और हम कह रहे हैं इसका रेसिप्रोकल सी बाई डी है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको 1 मिलेगा, तभी हम कहेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल सब दे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1 बाय 2 लिया, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सब दे, इनटू सर 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, 2 by 1 हो गया ना, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, 1 हम क्या कहेंगे, जो हमारा 2 by 1 है वो रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर? यस। अब आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रेशनल नंबर फॉर ऑल रेशनल नंबर ए बी एंड सी। डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा, जब ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी एंड ए सी ए ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल ए माइनस बी माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना भाई। हेलो, हाँ सुना भाई, जाने में सुना सभी? डिस्ट्रीब्यूटिव के क्या होता है, अब मान लीजिए आप एक पर्सन है,
यस सर, यस सर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं गरीबों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं बांटूंगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि ये सोना है और एक जागृति है, आप इनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? शब्बीर, ठीक है? अब शब्बीर सोना और जागृति को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि शब्बीर ने सोना को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, शब्बीर ने कुछ जागृति को डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम ए ए बी प्लस सी, इट मींस ए बी प्लस सी, सी यस सर, इसी ए को हमने इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन था, ए मल्टीप्लाई बी हो गया, प्लस किन था और उसका फिर ए मल्टीप्लाई सी, सी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 3, 2 + 3, ठीक है सर? अब इसको हम लिख रहे हैं 3 × 2 + 3 × 3। अब ये हमारा थी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 2 के साथ, फिर 3 3 के साथ, 6 + 3 = 9, ठीक है? अब यस फिफ्टीन सर, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी 15 आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पहले अलग डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको यस ऐड करते हैं, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूट, यस ठीक है? यस सर। इसके बाद रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या करते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन में डिफाइन करते हैं, ऐसे हम रेशनल नंबर को भी होल लाइन में नंबर लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स। अब कह रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हियर वाज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होंगे जिनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो बोथ पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे। अभी क्या था, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाता है, तो या तो बोथ पॉजिटिव या तो बोथ नेगेटिव, तो ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल। सेम नेगेटिव रेशनल्स में या तो डिनोमिनेटर क्या कहते हैं माइनस होगा, न्यूमरेटर माइनस होगा, ठीक है? यस। आपका है एडिटिव इनवर्स सर। हां सर, ये सर जो पॉजिटिव रेशनल नंबर से सर जो पहले वाला पॉइंट है सर, उसमें क्या है? ये कह रहा है कि इसे हम ट्रांसफर करने में एक नंबर लाइन, बहुत सारे और रेफरेंस नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल करते हैं 1 और 2 करते हैं, यस सर 1 और 2 करते हैं, इसके नीचे हमारे क्या होता है, 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, 1.4 होता है, ऐसे से 1.9 होता है, तो हमें आगे 2 मिलता है। उससे वैसे इसके भी बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्लियर सर? यस सर।
लास्ट आपका है एडजेक्टिव इनवर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि a by b का उल्टा क्या होता है माइनस a by b, और माइनस a by b का उल्टा क्या हो जाएगा इनवर्स। a by b का इनवर्स या एडजेक्टिव इनवर्स माइनस वन बाई बी होता है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा ये दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। सर ए बाई बी का होगा माइनस ए बाई बी, और सर माइनस ए बाई बी का होगा ए बाई बी, ठीक है। लास्ट आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी आपको बता दिया कि ए बाई बी का अगर सी बाई डी है तो डी बाई सी बाई डी का ए बाई बी का, यहाँ पे ए बाई बी का रेसिप्रोकल अगर 2.251 है तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। यस सर, चलते हैं चैप्टर 2 का। सर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम है सर? नहीं, होता क्या है जब हम क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें जीरो मिलता है, क्या मिलता है जीरो, बट जब हम मल्टीप्लिकेटिव करते हैं इनवर्स उसमें हमको रिजल्ट 1 मिलता है, इट मींस 1 मिलता है। 1/2 × 2/1 3 है, इसका इनवर्स -3 होगा, इसका जीरो आएगा। यस सर, क्लियर होगा। एडिटिव इनवर्स से हमें जीरो मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमें 1 मिलता है। 1 ठीक सर, यस सर, चलते हैं चैप्टर 2 का रिवीजन है। यस सर, अब फर्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन एंड मोर वेरिएबल्स का एग्जांपल x+2=3। Linear equation in one variable, the expressions which form the equation that contains single variable and the highest power of variable is 1. अब इसकी ऐसी power क्या है? Power जानते हैं ना? क्या सर? Power, x की power 1, x की power 2, yes, sir. x की power 3. जब हम equation ऐसे ही कहें, x+3 = मान लीजिए 9. यहाँ x की power क्या है? तो जहां पे वन वेरिएबल हो और पावर हमारा 1 हो तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लियर। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन वन वेरिएबल्स, इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अदर साइड, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। हाँ, अब इसमें आपका लास्ट है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, बाकी सब आप लोग अपने समझिएगा। द यूटिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इज देयर डाइवर्स एप्लीकेशन, different problems and number edges, perimeters, combination of currency node and so on can be solved using linear equation. अब क्या कह रहा है कि जो भी होंगे edges निकालना होगा, numbers निकालना होगा, perimeters निकालना होगा, ये सब हम क्या कहते हैं linear equation के द्वारा solve कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया था, ठीक है? Yes sir. आपका math chapter 1 है जो complete हुआ, इसकी वाइफ का होगा क्या कहते हैं आप लोगों को फायदे में। बचता है आपका साइंस चैप्टर 1 एंड साइंस चैप्टर 2, इसको आपको भी केवल लर्न करना है, ठीक है सभी? एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइंस चैप्टर 1 साइंस चैप्टर 2 जब लर्न कर लेंगे तो आप लोग को एक वीडियो बनाने के बारे में बोला था सभी, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया ना मैच, कोई प्रॉब्लम सभी? तना
कोई प्रॉब्लम होगी कोई प्रॉब्लम है।